हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा जापान के इतिहास और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं और इसके बारे में विशेष जानकारी दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जापान के बारे में संक्षिप्त जानकारी, जैसे कि इसका क्षेत्रफल, इसकी जनसंख्या के बारे में हमने जाना था, यहां के राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में हमने जाना था और इस देश के बारे में हमने संक्षिप्त में यहाँ के इतिहास के बारे में जाना था, यहाँ के प्रमुख धर्मों के बारे में जाना था, यहाँ की प्रमुख भाषाओं के बारे में जाना था और सामाजिक जीवन के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अब हम जापान के लोगों के प्रमुख खानपान के बारे में जान लेते हैं। एशिया में पूर्वी देश जापान का खानपान बहुत हद तक पड़ोसी देशों के खानपान से मिलता जुलता नजर आता है, पर इस देश में लोगों का अधिकतर मनपसंद खाना उबले हुए चावल और इससे बने विभिन्न व्यंजन होते हैं। मैं आप लोगों को एक एक कर इनके नाम बता देता हूँ। ये व्यंजन है सोबा, जो कि नूडल्स व्यंजन का एक प्रकार है। सुशी, दुनिया भर में मशहूर जापानीज व्यंजन है। ग्योजा, जो नाश्ते में अधिकतर खाया जाने वाला व्यंजन है। ओकोनोमियाकी, ये जो कि मांस सलाद इत्यादि से बनने वाला पिज्जा जैसा व्यंजन है। रामेन, जो कि जापान का सबसे पसंदीदा खानपान का एक प्रकार है। टेम्पुरा, जो कि एक सी फूड है। और वाक्सी, जो कि एक मीठा व्यंजन है। तो ये तो थे जापान के प्रमुख खानपान, यहाँ के व्यंजन। अब हम जान लेते हैं जापान के प्रमुख महोत्सवों के बारे में। सालों भर विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महोत्सवों को जापान में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इनमें शामिल कुछ महोत्सवों के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये महोत्सव है कंडा मत्सूरी, अवा ओडोरी, गियान मत्सूरी, कोशीबाड़ा दंजीरी, युकी, जो कि एक बर्फ से संबंधित महोत्सव है, तनबाता नेबुता मत्सूरी, कोची योसाकोई, तेंजिन मत्सूरी, हकाता दोन ताकू मत्सूरी इत्यादि यहाँ के प्रमुख महोत्सव हैं। अब हम जापान के राज्यों के बारे में जान लेते हैं। भारत के जैसे ही यहाँ पर भी छोटे बड़े राज्य मौजूद हैं। मैं इनके नाम एक एक कर आप लोगों को बता देता हूँ। ये राज्य हैं टोक्यो, आओमोरी, इवाते, यमगाता, होकाइडो, अकिता, तोशिगी, इराबाकी, सैतामा, फुकुशिमा, तोयामा, मियागी, नगानो, आइची, गुनमा, चिबा, कनागवा, सिजुओका, निगाता, फुकुई, इसिकावा, यामानासी, क्योटो, हयोगो, नारा, गिफू, सीगा, मिए, ओसाका, वकयामा, कोची, यामागुची, हिरोशिमा, कागावा, ओकायामा, टोटोरी, सिमाने, फुकुओका, एहिमे, कुमोमोतो, तोकुशिमा, ओकिनावा, सागा, नागासाकी, ओइता, कागोशिमा, मियाजाकी, ये हैं जापान के 47 राज्य। अब मैं आप लोगों को जापान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में बता देता हूँ। अगर आपके मन में भी जापान जाने की इच्छा है तो यह जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं यहाँ एक एक कर आप लोगों को जापान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में बता देता हूँ। तो ये पर्यटन स्थल हैं फुशिमी इनारी ताइसा, क्योटो में है, माउंट फुजियामा, जो कि एक ज्वालामुखी का पर्वत है, तोड़ाई जी, जो नारा में स्थित है, हिमेजी कैसल, मेजी जिंगू टोक्यो में स्थित है, इंपेरियल पैलेस टोक्यो में, टोक्यो टावर मिनेटो शहर में स्थित है, नारा पार्क नारा में स्थित है, ओसाका कैसल, स्काई ट्री टोक्यो में स्थित है, सापोरो, जो कि बर्फबारी महोत्सव के लिए प्रसिद्ध स्थल है, अराशियामा पर्वत श्रेणी यूनिवर्सल स्टूडियो ओसाका में है, टोक्यो डिज्नीलैंड उराइसू शहर में है, डोटनबोरी, आसी लेक, हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम, जीगो कुडानी मंकी पार्क, द हाकोने ओपन एयर म्यूजियम, केगोन वाटरफॉल्स इत्यादि जापान के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। अब मैं जापान के प्रमुख नदियों के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ की नदियाँ हैं टोन, इसिकारी, यादो, किसो, सिनानो, सुमिदा, किटकामी, अराकावा, तमा, अगानो इत्यादि यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। अब मैं आप लोगों को जापान के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के बारे में बता देता हूँ। तो मैं इनके नाम एक एक कर आप लोगों को बता देता हूँ। ये है तोयो यूनिवर्सिटी
सोफिया यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो मेगुरो शहर में है, होसेई यूनिवर्सिटी, दोकेयो यूनिवर्सिटी, सेंसू यूनिवर्सिटी, तेइको यूनिवर्सिटी, कंसाई यूनिवर्सिटी, द ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ जापान जो चिबा शहर में है, कनागावा यूनिवर्सिटी इत्यादि यहाँ के प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं। अब मैं आप लोगों को जापान के बारे में जीके में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैं एक एक कर आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूँ। पहला प्रश्न है, जापान देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, इसके बारे में संक्षिप्त में बताएं। तो जापान का राष्ट्रीय ध्वज पूर्णतः सफ़ेद रंग का होता है, जिसके ठीक मध्य भाग में सिंदूरी या गहरे लाल रंग का वृत्ताकार या गोल होता है, इस प्रकार से ये आयताकार ध्वज होता है। दूसरा प्रश्न है, जापान देश का पुराना नाम बताएं। तो इसका पुराना नाम है निहोन या वाकोकू। तीसरा प्रश्न है, कौन से प्रसिद्ध शहर जापान देश में मौजूद हैं? तो ये शहर हैं टोक्यो, क्योटो, हिरोशिमा, नागासाकी, कावासाकी, शिबुया, ओसाका इत्यादि यहाँ के प्रमुख शहर हैं। चौथा प्रश्न है, कुल कितने हवाई अड्डे जापान में हैं? वर्तमान में जापान में लगभग 98 एयरपोर्ट्स हैं। पांचवा प्रश्न है, जापान की अर्थव्यवस्था विश्व में कौन से स्थान पर है? तो मैं बता दूं कि जापान की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। छठा प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कौन से शक्तिशाली देश को हराया था? तो ये देश था सोवियत संघ यानी कि रसिया। सातवां प्रश्न है, जापान के कौन से दो शहरों पर द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु अस्त्र का प्रयोग किया गया था? तो ये शहर थे हिरोशिमा और नागासाकी। आठवां प्रश्न है, जापान का माउंट फुजी पर्वत विश्वभर में प्रसिद्ध क्यों है? तो मैं बता दूं कि यह पर्वत एक जीवित ज्वालामुखी है यानी कि एक्टिव वोल्केनो है, जो कि अधिकतर बार सक्रिय रहता है। इस ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से पर्वत के आसपास में कई सारे छोटे छोटे पर्वत बने हुए हैं, जो कि दुनिया भर के शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। नौवां प्रश्न है, कुल कितने द्वीप जापान में मौजूद हैं? तो मैं बता दूं कि लगभग 7000 छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर जापान देश बना हुआ है, जिसमें कि कुछ अति दुर्गम द्वीप क्षेत्र हैं जहां पर कई बार नैसर्गिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है यानी कि नेचुरल कैलामिटीज का सामना करना पड़ता है। दसवां प्रश्न है, दुनिया के कौन से देश में सर्वाधिक भूकंप जैसी नैसर्गिक आपदा का सामना करना पड़ता है? तो यह देश है जापान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जाना जापान देश के बारे में, इसके इतिहास के बारे में हमने जाना और यहाँ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त की। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।